हेलो दोस्तों, तो आज हम अगेन क्रिकेट पे बात करेंगे क्योंकि क्रिकेट में बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है शाहिद अफरीदी के हवाले से। शाहिद अफरीदी जो इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह चुके हैं, अब शाहिद अफरीदी T20 लीग जो खेलते हैं उसको भी खैर बात कहने वाले हैं। शाहिद अफरीदी 2020 में हर टाइप क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं, ये एक बड़ी न्यूज़ है क्योंकि शाहिद अफरीदी अभी BPL खेल रहे हैं ढाका की तरफ से, जो 13 तारीख को ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी। फिर शाहिद अफरीदी का जो आखिरी इवेंट होगा, जो आखिरी टाइम आखिरी लाइव परफॉर्मेंस शाहिद अफरीदी एक इवेंट में देगा, वो है पाकिस्तान सुपर लीग 2020 का एडिशन, जो आप शाहिद अफरीदी का आखिरी इवेंट होगा। फिर उसके बाद शाहिद अफरीदी सारी गेम से रिटायर हो जाएंगे और फिर हम शाहिद अफरीदी को कभी भी किसी लीग या किसी भी टीम के या किसी PSL की टीम में हम उसको खेलता हुआ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये शाहिद अफरीदी की आखिरी PSL होने वाला है। और अगर शाहिद अफरीदी मुल्तान सुल्तान के लिए खेलेगा और ये 34 से 34 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे PSL के पांचवें एडिशन। यार हम शाहिद अफरीदी को बहुत मिस करेंगे क्योंकि ये एक अजीम प्लेयर है यार, ऐसा अजीम प्लेयर जो है ना दुनिया में बहुत कम पैदा होता है। इसने अपने पहले मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी, इसका रिकॉर्ड था दुनिया का सबसे बड़ा छक्का भी इसने इंटरनेशनल में मारा है। यार दुनिया का वाइड क्रिकेटर है जिस दुनिया में सबसे छक्के मारे है, T20 वर्ल्ड कप इससे पाकिस्तान को जिताया था, सेमीफाइनल फाइनल में इससे 50 मारी थी और बेहतरीन बॉलिंग की थी। यार हम सब शाहिद अफरीदी को बहुत मिस करेंगे। एक मेरे ओपिनियन के लिए ना मुल्तान सुल्तान को चाहिए कि ये जो आखिरी इवेंट है इसमें शाहिद अफरीदी को कप्तानी छोड़ दे या शाहिद अफरीदी उसमें कप्तानी कर ले, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अभी शान मसूद को एज अ कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज को चाहिए कि थोड़ा सा एक फेवर कर ले मेरे लिए, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के एक अजीम क्रिकेटर के लिए, कि उसको फाइनल उसको आखिरी दफ़ा कप्तानी दे दे मुल्तान सुल्तान के लिए, क्योंकि यार वो अजीम क्रिकेटर है। ऐसा क्रिकेटर यार मैं 21 साल का हूँ यार, 21 सालों में मैंने ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा। लोग कहते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल दुनिया के सबसे बड़े छक्के मारते हैं, ना क्रिस गेल कहाँ और हमारा शाहिद अफरीदी कहाँ। शाहिद अफरीदी का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता यार। अब वो शाहिद अफरीदी का ये आखिरी इवेंट होने वाला है यार, फिर उसके बाद हम शाहिद अफरीदी को कभी भी खेलते हुए नहीं देखेंगे, किसी लीग में खेलता हुआ नहीं देखेंगे यार। शाहिद अफरीदी ने दुनिया की हर लीग में खेला है, IPL से लेकर BPL तक, इंग्लैंड की लीग से लेकर कैरिबियन की लीग तक, हर लीग, श्रीलंकन की लीग में, पाकिस्तान की उसने पेशावर जर्मी से स्टार्ट किया और मुल्तान सुल्तान ने 2 एडिशन खेले। यार मैं कहता हूँ मुल्तान सुल्तान वालों प्लीज़ कप्तानी दे दो, क्योंकि इसके लिए एक फेयरवेल हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो इसके लिए फेयरवेल नहीं किया, तो खाली मुल्तान सुल्तान इसके लिए फेयरवेल कर ले और हम इस अजीम क्रिकेटर को यार पूरी उम्र याद रखेंगे, क्योंकि अजीम क्रिकेटर होते अजीम क्रिकेटर होते हैं और पूरी दुनिया इसको मानती है, पूरी दुनिया इसको मानती है यार, घूम घूम को पूरी दुनिया मानती है, जिसको हम लाला कहते हैं यार। तो वो अब रिटायर होने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल से तो वो रिटायर हो चुका था, अब वो T20 लीग से भी रिटायर हो रहा है और हम शायद अफरीदी को कभी भी खेलता हुआ देखेंगे। हम उसको खाली दो HBLPSL 2020 का पांचवा एडिशन जो पाकिस्तान में खेला जाएगा खाली उसमें हम उसको देखेंगे। तो यही बड़ी न्यूज़ थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे इतना सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए डेली वीडियोज़ लाता रहूँ, क्रिकेट की ओपिनियन वीडियोज़ लाऊँ, अपने व्लॉग्स लाऊँ या कोई इंटरेस्टिंग बातें अपनी शेयर करें इस चैनल पर। तो मिलते हैं वीडियो में, देख रहे हैं।